स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारी 3 क्लास अपलोड की जा चुकी हैं और इसी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपनी चौथी क्लास के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमने जो पॉइंट लिए हैं इस बार, देखिए हमने हिंदी में स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। इस बार हम गणित में जो हमने लिया है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बारे में जानेंगे, और रीजनिंग में जो हमने लिया है इस समय क्रम व्यवस्था मतलब बैठने की जो सीटिंग प्लान होता है उसके बारे में जानेंगे, और सामान्य अध्ययन में जो हमने टॉपिक लिए हैं इस बार प्राचीन भारत और राजव्यवस्था को हमने लिया है, जिसमें से आपको प्राचीन भारत में पढ़ाया जाएगा गुप्त और गुप्तोत्तर काल, मौर्य और मौर्योत्तर काल। उसके बाद आपको राजव्यवस्था में पढ़ाया जाएगा राष्ट्रपति राज्यपाल के बारे में जाना जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा और विधान परिषद। तो ये हुआ जो हमने चौथी क्लास में जो हमारी फोर्थ क्लास है जो हमने टॉपिक चूज़ किए हैं। तो सबसे पहले इसकी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इसके हिंदी के टॉपिक में, जो कि हमने लिया है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जिसमें जितने भी एग्ज़ाम है जो यूपीएससी के हों या यूपीपीसीएस के हों, किसी भी के भी आयोग का एग्ज़ाम हो, उसमें से संधि से कुछ ना कुछ पुटअप जरूर किया जाता है, इसलिए संधि को समझना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम संधि के बारे में, संधि होती क्या है। जैसे कि मैंने आपको जब समाज पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब दो शब्द मिलते हैं तो उनके से जो विकार उत्पन्न होता है तो वो समास कहलाता है। उसी समय मैंने आपको बताया था कि जब दो वर्णों के मेल से, इसमें दो वर्ण होते हैं, उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो वहाँ क्या कहलाता है, संधि कहलाता है, और उनका जो तोड़ना जो कहलाता है संधि, इन दोनों को वर्णों को अलग अलग कहना जो कहलाता है वो कहलाता है आपका विच्छेद। और मैंने ये भी बताया था कि समास का को तोड़ना जो कहलाता है वो विग्रह कहलाता है। तो सबसे पहले जानते हैं संधि के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि संधि को 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी संधि है वो, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि के बारे में। जैसा कि हमने हिंदी वर्णमाला की जब क्लास ली थी उसमें हमने बताया था कि कौन कौन से स्वर होते हैं, इसमें स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, एक होता ह्रस्व और एक होता दीर्घ। ह्रस्व कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व होते हैं आपके आ, ई, उ और रा, और आपके दीर्घ होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, बड़ा ए और ओ और औ। तो ये आपके होते हैं दीर्घ स्वर और ये होते हैं ह्रस्व स्वर। स्वर के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि पूरा स्वर संधि इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि को भी 5 भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से भाग हैं वो देखिए, हाँ, दीर्घ संधि, गुड़ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो अब तक हमने जाना कि स्वर संधि है, मतलब संधि को 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, स्वर संधि में, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में। इसमें से जो स्वर संधि है इसको 5 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी हैं वो हैं आपकी दीर्घ संधि, गुड़ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं कि दीर्घ संधि की पहचान कैसे करेंगे, गुड़ संधि की पहचान कैसे करेंगे, वृद्धि संधि की पहचान कैसे करेंगे, यण और अयादि की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम कुछ बात जान लेते हैं, सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, दीर्घ संधि को कैसे पहचानेंगे, दीर्घ संधि है। तो सबसे बड़ी पहचान इसकी ये है कि इसमें क्या होता है कि दोनों ही, जैसे मान लीजिए हमने कोई वर्ड लिखा है, हमने लिखा है शिवालय, इससे समझते हैं, जब इसका हम विच्छेद करते हैं तो ये बनता है शिव प्लस आलय। देखिए जब इसका विच्छेद होता है तो इसका अंतिम वर्ण यहां होता है आ प्लस आ, मतलब जब दोनों के इसके अंत में और इसके प्रारंभ में बिल्कुल समान ही स्वर आता है, क्या आता है, समान ही स्वर आता है, तो वहां कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, जैसे आ प्लस आ बराबर आ हो जाता है, ये हम बात कर रहे हैं दीर्घ संधि की, आ प्लस आ भी क्या हो जाता है, आ हो जाता है, ई प्लस ई बड़ी ई हो जाता है, ई प्लस बड़ी ई बड़ी ई हो जाता है। ये जो सब बदल जाते हैं दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। उसके बाद हम जानते हैं, समझ में आया, आ प्लस आ आ हो जाता है, आ प्लस बड़ा आ भी आ हो जाता है, ई प्लस ई बड़ी ई हो जाती है, ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ये भी बड़ी ई हो जाती है। इसके अलावा देखते हैं स्वान स्वर, समान स्वर कब कौन कौन से क्या बनता है,
अब जैसे मान लीजिए आपको ये अंतिम और प्रारंभ और अंतिम में ये सब वर्ड हो के ये आता है, तो ये क्या हो जाता है, ये भी बड़ा ई हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका उ प्लस उ आता है तो ये भी क्या हो जाता है, बड़ा उ हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब है दीर्घ संधि की पहचान यही है, प्रारंभ में और उसके अंत में दोनों का जो स्वर हो वो समान हो, समान स्वर आए तो मिलके क्या हो जाता है, वो बड़ा ही मतलब उनका दीर्घ हो जाता है वो, तो वहाँ कौन सी संधि कहलाती है, वो कहलाती है स्वर संधि। पहचान इसकी यही है, जैसे आपको कोई भी वर्ड दिया हुआ है, सपोज करो आपको उसने लिख दिया हरीश, या दे दिया आपको कविंदर दे दिया, हम मान लेते हैं कविंदर दे दिया, समझिए, तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा कवि प्लस इंद्र। अब देखिए ई और प्लस ई बराबर क्या है, बड़ी, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो यहां पे जो मात्रा है ये क्या बड़ी ई में बदल जाएगी, कवि इंद्र। पहचान क्या है कि इसके अंत में और प्रारंभ में जो दोनों हैं वो क्या हैं, वो समान स्वर हैं। तो आप सीधा सीधा पहचान सकते हैं जब इसका विच्छेद करेंगे कि इसमें दीर्घ संधि है या नहीं है, तो दीर्घ संधि की पहचान आप इजीली कर लेंगे। तो दीर्घ संधि के बारे में इजीली हम बता सकते हैं कि दोनों के अंत और प्रारंभ का जो स्वर होता है वो समान होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। अब बात करते हैं गुण संधि की, पहले समझते हैं गुण संधि की पहचान कैसे की जाएगी। तो देखिए गुण संधि में क्या होता है, आ या आ के बाद ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रा, इनमें से कोई भी स्वर आता है, यदि आ और आ के बाद इनमें से कोई भी स्वर आता है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है ए, क्या बन जाता है, ए बन जाता है, आ प्लस ई ए, आ प्लस ई ए, आ प्लस ऊ, तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। पहचान कैसे करेंगे, आपको दिया होगा एक शब्द दिया होगा, अब सपोज कीजिए देखिए कोई भी एक हम वर्ड लेते हैं, जैसे हमने लिया महोत्सव, और एक और पहचान होती है गुण संधि की, इस पे एक ही मात्रा होती है, कभी कभी मान लीजिए जैसे ये है औषधि है, इस पे दो मात्रा है, इस पे एक मात्रा, तो ये भी सीधी सीधी पहचान की जा सकती है कि भाई ये जो संधि है ये वृद्धि है और ये संधि जो है गुण है, क्योंकि गुण पे एक मात्रा होती है, वृद्धि पे दो मात्रा होती है, सीधा सीधा भी हम पहचान सकते हैं। लेकिन इसका विच्छेद आता है इसलिए भी हम देख लेते हैं, ये हमें से याद रखना चाहिए, आ प्लस ई आएगा या आ प्लस ऊ आएगा या आ प्लस रे आएगा, तो इसके बाद अगर इस तरीके की कोई वर्डिंग वर्ण आता है तो वहां पे क्या हो जाता है, गुण संधि हो जाता है। अब इसको देखते हैं महोत्सव को, तो ये महा प्लस उत्सव, अब देखिए आ प्लस ऊ, मैंने बताया था उसके बाद कोई भी इनमें से अगर स्वर आए तो वहां क्या हो जाता है, ए हो जाता है, क्या हो जाएगा, महोत्सव, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, आ प्लस ऊ ए, समझ में आया आपके, कैसे ये मतलब कैसे चेंज होता है, आप इसी से हम पहचान सकते हैं कि भाई इसमें कौन सी संधि है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये ही याद रख लो, बस ये दो तीन चीजें याद रख लेंगे तो आप पूरी संधि आपके समझ में आ जाएगी, बस यही है। देखिए जैसे हमने सिर्फ याद रखा ये ई बड़ा ई ऊ बड़ा ऊ और रे, इसके बाद हम याद रख सकते हैं ए बड़ा ए ओ बड़ा ओ, सिर्फ इसको याद रखने से ही पूरी स्वर संधि समझ में आ जाती है, क्योंकि पहले ये तो हम दीर्घ संधि की सीधी सीधी पहचान कर लेते हैं कि उसके बाद समान स्वर आता है। अब बात आती है गुण वृद्धि यण और अयादि की, तो देखिए यदि ए और आ के बाद इनमें से कोई स्वर आता है तो वहां पे हो जाती है आपकी गुण संधि, यदि इसके बाद इनमें से कोई स्वर आता है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाती है आपकी वृद्धि संधि, और ये बदल जाता है आपका बड़ा ए में या बड़ा ओ में, किसे बदल जाता है, बड़ा ओ में बदल जाता है ये, आ प्लस ए ए, आ प्लस ए बड़ा ए, आ प्लस ओ ओ, इस तरीके से ये चेंज हो जाते हैं। सीधी सीधी पहचान है, यदि आ प्लस के बाद ये इनमें से कोई आए तो वहां पे गुण है, अगर इनमें से कोई वर्ण आए तो वहां पे
वृद्धि है। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था कविंद्र, कविंद्र किसका है, तो ई कविंद्र, कविंद्र किसका उदाहरण था, देखो पहचान, देखो ई और ई जब दोनों में समान है तो हमने बता दिया यहाँ पे दीर्घ संधि है। अगर मैं आपसे बोल देता महोत्सव ओ व उ, तो ओ उ किसमें आता है, आ प्लस उ किसमें आता है, सीधा आपने बता दिया गुड़ संधि में। अगर आपसे ये कहता सदैव, बात करते हैं वृद्धि संधि की, अगर ये आपसे कहता पहले सदैव, सीधी सीधी पहचान तो ये के ही कि इस पर दो मात्रा है तो ये वृद्धि है ही, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि इसका कैसे पहचान करेंगे कि है या नहीं है। तो मैंने बताया था कि आ के बाद इनमें से भी कोई वर्ण आए तो, देख जिसका हमने विच्छेद किया सदा प्लस एव, तो आ प्लस ए आ रहा है या नहीं आ रहा है, आता है ना, ये दोनों वर्ण आ रहे हैं तो इसका मतलब इसमें कौन संधि हुई, वृद्धि संधि हुई, आ प्लस ए, तो क्या बन जाएगा ओ। समझ में आया आपके कि किस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं इसमें कौन सी संधि है। तो तीनों आपके समझ में आई होंगी कि दीर्घ संधि समान, गुण संधि में आ या आ के बाद इनमें से कोई वर्ण आए, वृद्धि संधि में आ या आ के बाद इनमें से कोई वर्ण आए। अब बात करते हैं यण और अयादि की, सिर्फ इसी को ध्यान रखिएगा जो मैंने लिखा है, या ई ई उ ई, इसी से आप समझ जाओगे। अगर इनमें से ई बड़ा ई बड़ा उ इनमें के बाद, इसके बाद यदि कोई भिन्न, इनसे भिन्न अलग, जैसे आ जाए बड़ा आ जाए, इनमें से कोई इनसे भिन्न, या ए आ जाए या ओ आ जाए, इनसे भिन्न अगर कोई स्वर आता है तो वहां पे हो जाता है आपका यण संधि। जैसे ई के साथ अगर कोई आता है, कोई भी वर्ण आता है ई या बड़ी ई के साथ कोई वर्ण आता है तो वो बन जाता है आपका या, क्या बन जाता है या, ई और आ के साथ आने में कोई भिन्न वर्ण, अगर इसके साथ आता है ऊ के साथ तो वो बन जाता है आपका वा, क्या बन जाता है वा बन जाता है, और रा के साथ आने पे वो रा बन जाता है। समझ में आया, यदि इन आ बड़ा आ के बाद ये आए तो वृद्धि ओ गुण संधि, अगर ये आए तो आपकी कौन सी थी वृद्धि संधि, अगर इसके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा वहां पे यण संधि हो जाएगी, और यदि इसके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वहां पे हो जाता आपका अयादि संधि। ये तो होगी सीधा पहचान के विच्छेद करने पे हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। अब जैसे इसके बाद माने ए प्लस आई तो ये क्या हो जाता है अय हो जाता है, ओ होता है, मान लीजिए ये आ गया ओ प्लस आ तो ये हो जाता आ, तो इस तरीके से चेंज हो जाते हैं। तो सीधा सीधा आपने पहचान कर लिया कि भाई ई बड़ा ई बड़ा ऊ के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो यण हो जाता है, यदि ए बड़ा ओ छोटा ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो वहाँ पे अयादि संधि हो जाती है। ये तो ही पहचान। अब आपको मान लीजिए कोई शब्द दिया हुआ है तो उसका विच्छेद किस तरीके से आप पहचानोगे कि ये यण है या अयादि है। देखिए जैसे आपको उसने कोई वर्ड दिया, जैसे इत्यादि लिख के दिया, जो मैंने मान लीजिए ये वर्ड आपके पास आया इत्यादि, आपको बताना है इसमें यण है वृद्धि है गुण है कौन सी है। सबसे पहले हम इसका विच्छेद करके देखते हैं, इति प्लस आदि मतलब ई प्लस आ, हम तुरंत समझ गए कि ई के बाद या ई बड़ा ई ऊ बड़ा ऊ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो वहां पे क्या हो जाता है यण संधि हो जाता है, और तुरंत हमने पहचान लिया कि ई प्लस आ मिलके क्या बनाते हैं या बनाते हैं, इसका मतलब ये इति आदि जो है ये आपका यण संधि हुआ। समझ में आया। या एक और ले लेते हैं, हमने लिया प्रत्येक, हमें पता नहीं इसमें क्या संधि है। अब आप कहोगे कि इस पे एक मात्रा चढ़ी हुई है, तो आपने भी बताया था इस पे एक मात्रा गुण संधि है, तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि उसमें यह नहीं है, तो इसलिए सीधा सीधा हम विच्छेद करके देख ही लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से पता करेंगे, इसका हमने विच्छेद किया प्रति प्लस एक ई प्लस ए, क्या आता है ई प्लस ए में क्या आता है, ई के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है, अच्छा ई के बाद ये ई है ई ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वहां पे क्या हो जाता है वो ई प्लस कोई स्वर मिल क्या बनाते हैं ये बनाते हैं। हमको पता है कि यहाँ पे यण संधि है, हमने तुरंत इसको बता दिया प्रति प्रत्येक हो गया कि भाई ये बन गया या, तो हमने तुरंत बता दिया यहाँ पे क्या यण संधि है। एक और उदाहरण लेते हैं यण संधि का, आपको लिखा उसने स्वागत, आपसे पूछा इसमें कौन सी संधि है। सबसे पहले हमने देखा कि भाई ना तो इसका हम पहले क्या करते हैं विच्छेद करते हैं, सु प्लस आगत,
अब देखिए हम चारों नियमों को दिमाग में रिकॉल करते हैं। दीर्घ संधि क्या कहती है, समान एक जैसा ही स्वर आना चाहिए, मतलब दोनों का जो स्वर हो समान हो। हमने देखे इसमें ऊ है, इसमें आ है, इसका मतलब यण वो, क्या कहते हैं, दीर्घ संधि नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, गुण संधि की। गुण संधि क्या कहती है, आ और उप के बाद कोई वर्ण, तो यहाँ पे तो आ है ही नहीं, तो यहाँ पे मतलब गुण भी नहीं है, यहाँ पे आ भी नहीं है, इसका मतलब वृद्धि भी नहीं है, तीनों ही नहीं है। अब बात हम देखते हैं यण और अयादि को चेक करके देखते हैं। अयादि यण क्या कहती है, यण ये कहती है कि भाई ऊ मतलब ई ऊ और रा के बाद कोई इससे भिन्न स्वर आए तो वहां पे क्या हो जाता है, वा हो जाता है। मतलब अगर ऊ है तो ऊ प्लस अन्य स्वर मिलकर क्या बनाते हैं, वा बनाते हैं। तो इसमें क्या आ गया, ऊ और आ मिलके ऊ और आपका ऊ और आ मिलके वा बन गया। तो ये सीधा सीधा हमें पता चल गया यहाँ भी वा बन रहा है, तो ये क्या हो गया, आपने लगा दिया कि ये संधि जो है, ये स्वर जो क्या है, ये क्या हुआ, ये हो गया आपका यण संधि। तो इजीली हम पहचान सकते हैं किस तरीके से, बस सिर्फ ये याद रखना होता है ई और ऊ, इस ये दो याद रखने होते हैं, इसी के आधार पे हम पांचों को बता सकते हैं इसमें कौन सी संधि है और कौन सी संधि नहीं है। अब बात करते हैं स्वर संधि के लास्ट संधि पे, अयादि संधि। जैसे अयादि संधि की सीधी सीधी एक पहचान है कि यदि ए बड़ा ए ओ बड़ा ओ इनसे कोई भिन्न स्वर आए, जैसे आ ए के बाद आ जाए या ऊ आ जाए या रा आ जाए, तो ये क्या मिलके बनाते हैं, तो ये मिलते हैं, अगर ए के बाद कोई ए आता है तो ये मिलता है आय, ओ के साथ मिलते हैं तो मिलते हैं आव, समझ में आया, और ये मिल जाते हैं अगर रे के साथ आता है तो मिलते हैं आर। ये तो की पहचान। अब हम कैसे करेंगे, हमें कोई वर्ड दिया हुआ है कि इसमें कौन सी संधि है, लिखते हैं फिर उसका विच्छेद करते हैं, पहचान लेते हैं। देखिए जैसे आपको दिया नैन, अब यह इसमें भी आ रहा है और जबकि यण संधि में भी ये आता है, कंफ्यूजन वाला बात है। तो देखिए कुछ भी नहीं है, सबसे पहले हम इसको लेके हैं ने प्लस अन, ये लिखेंगे इसका संधि करेंगे। अब देखिए ए के बाद आ रहा है लेकिन हमें यह पता है कि यण में ई या ऊ के बाद आता है तब वहां यण होती है। यदि ए के बाद आ रहा है तो ये क्या होगी, तुरंत हमने बता दिया कि ए आ ओ के बाद अगर कोई इससे भिन्न वर्ण आता है तो वहां क्या हो जाता है, अयादि संधि हो जाती है। समझ में आया, तो ये ए और आ मिलकर क्या बनाते हैं, या आय बनाते हैं न्यान, इसको बोलते हैं न्यान को न्यान बोलते हैं ना। तो ये समझ में आ गया कैसे पहचान करेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं इसका, आपको दिया पवन, पवन का जब आप वर्ण विच्छेद करोगे तो किस तरीके से करोगे, पो प्लस अन। अब देखिए मैंने भी बताया था आपको, जब आ के साथ ओ के साथ या बड़े ओ के साथ अगर आपका भिन्न आए तो क्या बनता है, वा बनता है, आ बनता है आप। तो देखिए ओ प्लस आ, तुरंत समझ में आ गया कि भाई यहां पे तो सीधा ओ के बाद अगर कोई वर्ड आता है इसे भिन्न वर्ण आता है, तुरंत हमें समझ में अयादि संधि है, पहचान कर ली। उसके बाद हमें इसका विच्छेद किया, विच्छेद करने के बाद देखिए ओ प्लस आ क्या मिलकर बनाते हैं, आ बनाते हैं। तो हमने तुरंत देखा जी पवन बोलते हैं इसको, तो तुरंत देखा पवन जो है, ये पवन जो लिखा हुआ है ये कौन संधि होगी, अयादि संधि हो गई, सीधा पहचान कर लिया। एक और उदाहरण ले लेते हैं इसका जिससे और अच्छी तरह समझ में आ जाए, नाविक। अब देखिए नाविक ई भी हमें लग रहा है कि यार आ प्लस ई लग रहा है कुछ, तो हो सकता है कहीं इसमें वो संधि ना हो, आ के बाद ई आता है गुण संधि ना हो जाए। तो देखिए सीधा सीधा इसका देखते हैं, गुण संधि के बाद समय पता है कि कभी भी वो नहीं बनता, ए बनता है, तो सीधा सीधा ए तो है नहीं तो कैंसिल तो इसलिए कर दिया, अभी इसमें गुण संधि तो हो ही नहीं सकती क्योंकि हमें ये पता है कि ए बनता है, तो गुण संधि हमने देखी। उसके बाद हम देखते हैं भाई हो सकता है इसमें यण संधि तो नहीं है, सबसे पहले हमने इसका विच्छेद किया, नो प्लस इक, नो इक। अब देखिए ओ प्लस ई, हमने तुरंत बताया कि ओ के बाद अगर ई आता है तो वहां पर तो कौन संधि होती है, अयादि संधि हो जाती है, तुरंत हमने पहचान लिया, अयादि पे हमें टिक कर दिया। तो इस चीजों को जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है, सिर्फ आप अपने दिमाग में रखिए इस बात को कि सिर्फ ये लिख लीजिए आ ई ऊ बड़ा ऊ और रा, या ए बड़ा ए ओ और बड़ा ओ, सिर्फ इसको लिख लीजिएगा
दिमाग में, मतलब पूरी की पूरी संधि आप पहचान कर सकते हो। कैसे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यदि अगर समान ही स्वर आए तो वहां दीर्घ, यदि ए और आ के बाद इनमें से आए, इससे आए, तो वहां पे हो जाती है आपकी गुण संधि। अगर ए और आ के बाद ये आए तो वृद्धि संधि हो जाती है। यदि इनके बाद कोई भिन्न आए तो वहां यण हो जाता है, और इसके बाद कोई भिन्न आए तो वहां आयादि हो जाता है। समझ में आया? तो इसी के साथ हमारी जो इसकी पहली क्लास है संधि की, जिसमें हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा, समाप्त होती है। यदि आपको हमारी सभी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़िएगा और शेयर कीजिएगा।